आज की इस वीडियो में जानने वाले दोस्तों यूपी कॉप क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी जरूरत पड़ती होगी दोस्तों आपको FIR करने के लिए, जिसे कोई ऑनलाइन FIR कर सकते हैं। अभी क्या था दोस्तों, आपको जाना पड़ता था पुलिस स्टेशन पे, आप गए वहीं FIR करते थे। पुलिस गए तो मान चले दीवान साहब नहीं है, दरोगा साहब नहीं, तो FIR नहीं हो पा रहा है, या आपको बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे वहाँ पे। FIR कराने के लिए आपको बहुत चक्कर काटने पड़ते थे, पर आप ऑनलाइन FIR यहाँ से कर सकते हैं यूपी कॉप ऐप की मदद से। ठीक दोस्तों, उसके बाद कंप्लेन, आपको कोई कंप्लेन होती है, दिवांग कंप्लेन हो गया और सारी कंप्लेन होती हैं, उसकी भी बात हम करेंगे अभी ऐप में कैसे उसको करते हैं कंप्लेन, आप यहाँ से कोई कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरा आप दोस्तों यहाँ से परमिशंस ले सकते हैं, जैसे कोई इवेंट परफॉर्मेंस कराना है आपको तो परमिशंस भी ले सकते हैं, या कोई फिल्म की शूटिंग हो रही होती है तो उसकी परमिशन आप यहाँ से ले सकते हैं। इस ऐप की मदद से आप उसकी परमिशंस भी लेते हैं। और यहाँ पे सर्विसेज, इनकी 4-5 सर्विसेज मिल जाती हैं, जो सर्विस पेड सर्विसेज होती हैं, जैसे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनना होता है वो भी आप यहाँ से बनवा सकते हैं, और कॉल अस, आप उनको कॉल अस भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो FIR करेंगे उसका एक नंबर मिलेगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वहाँ से आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपके FIR पे क्या वर्क हो रहा है। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हम इस ऐप का यूज कैसे कर सकते हैं, पूरा हमने इसमें कवर करके रख दिया दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या कर लेना है, प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यूपी कॉप का ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना होगा। अगर इसकी रेटिंग और रिव्यू की बात करें 10 लाख प्लस डाउनलोड आपको मिल जाएंगे, 3.7 की यहाँ पे रेटिंग भी आपको देखने को मिल जाती दोस्तों। सिंपल से यहाँ से ओपन कर लेना, जैसे आप ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का लोगो आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे जाना है FIR पे, रजिस्टर FIR पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपको लॉगिन मांगेगा। ठीक, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फीड करना, चलिए हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको गेट OTP पे टैप कर देना, जैसे इस पर आप टैप करते हैं अब आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट बनाना होगा। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे टाइप कर देना। चल करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का OTP सेंड टू मोबाइल, यहाँ आप देख सकते हैं OTP अपने आप ले लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे टाइप करके वेरीफाई कर देना, जैसे आप वेरीफाई करेंगे आप लॉग इन हो गए दोस्तों। ठीक, रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, यहाँ देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने साइन अप कर लिया। अब यहाँ पे अगर FIR दर्ज करना, आपको कोई भी रजिस्टर FIR करनी है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रजिस्टर EFIR पे टाइप करना। जैसे उस पर टाइप करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। अब सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे बेसिक डिटेल दे रखी है, अगर सेल्फ स्वयं के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करेंगे, ऑन समवन इज बिहाफ मतलब किसी के बिहाफ पे आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे करेंगे। देखिए सेल्फ पे करेंगे तो आपका यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दोनों सब कुछ पड़ा रहेगा, आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका सब कुछ पड़ा रहेगा, आपको यहाँ पे नीचे डालना है। अगर किसी के बिहाफ पे करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑन पे करना होगा, उसके बाद नेम डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा। चलिए हम यहाँ पे सेल्फ में करते हैं, यहाँ पे हमारा नेम पहले से ले रखा है, मोबाइल नंबर भी ले रखा, ईमेल आईडी भी ले रखा। अब आपको यहाँ पे एज डालनी होगी, चलिए हम अपनी एज डाल लेते हैं, कितने एज के यहाँ पे हमने डाल दिया, अपना एज डाल दिया। फादर नेम, यहाँ पे अपना फादर नेम आपको डालना होगा, चलिए हम फादर नेम यहाँ पे फिट करते हैं, फादर नेम डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, जो प्रेजेंट एड्रेस, जिस एड्रेस पे आप रहते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे FIR डिटेल्स, FIR डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। नेचर ऑफ कंप्लेन मतलब किस पे आप कंप्लेन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके साथ साइबर क्राइम हुआ या किडनेपिंग हुई है या लूट हुई है, अदर हुई या थेफ्ट या चोरी हमारी यहाँ पे चोरी हुई है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप करना चाहें, जैसे हमारे पास यहाँ किडनेपिंग कर सकते हैं या साइबर क्राइम कर सकते हैं, चलिए हमारे साथ साइबर क्राइम हुआ या हमारे ATM से या डेबिट कार्ड से पैसे निकाल लिए गए हैं या हमारे अकाउंट से पैसे निकाल दिए गए हैं, तो उसके लिए हमें साइबर क्राइम पे टाइप करना होगा। अब सम टाइप ऑफ कंप्लेन यहाँ पे टाइप करना है, तो मतलब इसने पूछेगा आपके साइबर क्राइम में आपका क्या हुआ है, यहाँ देख सकते हैं ईमेल स्पूफिंग हुई या हैकिंग हुई है, OTP फ्रॉड हुआ है आपके साथ में, ऑनलाइन यहाँ देख सकते ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड हुआ, यहाँ पे हम टाइप कर ले रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड हुआ हमारे साथ में। ठीक,
उसके बाद FIR कंटेंट, यहाँ पे अपना कंटेंट आपको लिख देना है, मतलब आप जो भी इसके विषय में लिखना चाहते हैं, मतलब कैसे कैसे क्या हुआ, कितने बजे आपको मैसेज आया, कितने बजे वहाँ पे लोग पहुँचे, मतलब पूरा डिटेल आपको जो भी आपको पता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। देखिए इंटर द फुल FIR कंटेंट लिखें यहाँ पे, उसके बाद देख सकते हैं डाउनलोड FIR कंटेंट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अपलोड एप्लीकेशन, जैसे एक आपको एक एप्लीकेशन बना लीजिए, जैसे सेवा में ये वो, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे, मतलब आपको पूरा लिख करके उसमें अपने साइन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड एप्लीकेशन पे टाइप करना है, उसके बाद अलाउ कर लेना है। अब आपकी यहाँ पे गैलरी ओपन होकर के आ जाएगी। अब आपका यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपने लिखा है उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना होगा, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे टाइप कर देंगे। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे टाइप करेंगे आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगी। दोस्तों अभी हमको कंप्लेन नहीं लिखवानी है क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं है, पर आपको सिंपल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको एक रजिस्टर्ड नंबर मिल जाएगा, उसी से आप ट्रैक कर सकते हैं। जो आपको नंबर मिलेगा दोस्तों, जैसे आपको नंबर मिल गया तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी रिपोर्ट देखनी, जो डाउनलोड FIR आपको देखना है तो उसके लिए आपको व्यू डाउनलोड FIR पे टाइप करना होगा। जैसे इस पर आप टाइप करते हैं, आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आपने किस डिस्ट्रिक्ट से FIR की थी, FIR बाराबंकी। उसके बाद यहाँ पुलिस स्टेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी पुलिस स्टेशन आपको लगता है, यहाँ पे देख सकते हैं बाराबंकी में एक होगा, जो भी पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पे लगता है वो पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। चलिए हम कोई भी पुलिस स्टेशन यहाँ पे देखते हैं, मिल जाता है हमारा पुलिस स्टेशन कोई भी बाराबंकी का, ये हमने ले लिया, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, FIR जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा। FIR नंबर डालने के बाद इन स्टेट डेट, आपको डेट डाल लेनी, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे टाइप करना, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड FIR आपकी डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों कुछ इस प्रकार से FIR को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कंप्लेन, जैसे यहाँ देखें कंप्लेन, आप यहाँ पे सीनियर सिटीजन कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन बाय दिवांग, यहाँ पे दिवांग के लिए भी कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद परमिशन पे जैसे टाइप करते हैं, प्रोसेशन रिक्वेस्ट मिल जाता है, प्रोटेक्ट स्ट्राइक रिक्वेस्ट, इवेंट परफॉर्मेंस के लिए परमिशन ले सकते हैं, फिल्म शूटिंग के लिए भी यहाँ से परमिशन ले सकते हैं। फिल्म शूटिंग के लिए परमिशन लेना तो आपको सिंपल से फिल्म शूटिंग पे टाइप करना होगा, यहाँ जैसे टाइप करेंगे आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल डाल देनी होगी, उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे, यहाँ पे देखेंगे सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आपको टाइप कर देना होगा, ठीक। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, देखेंगे सर्विस के ऑप्शन पे टाइप करेंगे, यहाँ देखेंगे चैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आपकी पेड सर्विस होगी। उसके बाद डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन होगा, ये भी पेड सर्विस होगी। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन करा सकते हैं, अटेंडेंट वेरिफिकेशन, पेड सर्विस, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट रिक्वेस्ट, यहाँ से पोस्ट मार्टम के लिए एक रिक्वेस्ट भी, रिपोर्ट रिक्वेस्ट आप यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन पे आप देखेंगे पुलिस स्टेशन नियर मिल जाएगा, एक्सीडेंट हॉस्पिटल नियर भी, अगर कोई एक्सीडेंट होता तो हॉस्पिटल नियर भी यहाँ देख सकते हैं। स्टोलन रिकवर्ड व्हीकल, अगर जो चोरी हुई गाड़ी इनको रिकवर कहाँ पे होता है, सीनियर सिटीजन यहाँ पे देख सकते हैं, मिसिंग पर्सन, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं। जैसे हमें पुलिस स्टेशन नियर मी देखना है, ठीक, तो हमें इस पर टाइप कर देना होगा, जैसे इस पर टाइप करेंगे अलाउ कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं प्लीज वेट, आपको जो भी नियर बाय में जो भी पुलिस स्टेशन होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बैक करते हैं, अब थोड़ा नीचे चलेंगे, अब यहाँ देख सकते हैं कॉल SOS, यहाँ से डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल पे क्लिक करेंगे, 112 नंबर पे आप कॉल करिए, पुलिस कंप्लेन आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे थ्री लाइन आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपल से थ्री लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से कॉल एस एमरजेंसी नंबर निकाल सकते हैं, अनइंस्टॉल बैंड ऐप, लॉग आउट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे हमें यहाँ पे कॉल एस पे क्लिक करना है, हमें किस में कॉल करना है, जहाँ पे हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, जैसे हम यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक। जैसे हमने बाराबंकी कर लिया, बाराबंकी में देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके दरियाबाद, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हैं उनके एरिया के नंबर यहाँ पे निकल आएंगे। सर्किल अफसर यहाँ देख सकते हैं, SP का नंबर आप यहाँ से आगरा के, अलीगढ़, अम्बेडकर, अमेठी, जो भी हैं आपको यहाँ पे SP के नंबर मिल जाते हैं, सर्किल अफसर के यहाँ पे आप मिल जाते हैं। जैसे हमें यहाँ पे बाराबंकी के सर्कल अफसर हमें चाहिए, बाराबंकी हमने टाइप कर दिया, देखिए सिटी फतेहपुर हैदरगढ़, हैदरगढ़ के जो CO का नंबर है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट अगर कोई नीचे नहीं सुन रहा है तो आप CO को सीधे कॉल कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से आप UPCOP ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी तो यहाँ पे टाइप करेंगे हिंदी, देखिए हिंदी में हो गया, अगर यहाँ पे टाइप करते हैं फिर से इंग्लिश में हो जाएगा। तो कुछ प्रकार से हिंदी इंग्लिश आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन या डाउट रह गया तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट रीड करता हूँ, सभी लोगों का रिप्लाई भी देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।